लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीओएस के बारे में जाना। पीओएस में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में जाना। पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में जाना कि किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर उसके पास COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो। लेकिन आज की क्लास में हमें जानना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा। एक बार POS आपको फिर से बता देते हैं कि कोई कंपाउंड ऐसा जिसे दो पार्ट में इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया जा सके और उसके दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हों, एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज लगते हों, तो वो कंपाउंड में POS माना जाएगा और वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। आज की क्लास में हम COS देखेंगे, POS COS दोनों को फिर मिक्स करेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं COS से। COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए COS कैसे पहचानना है, किसी भी कंपाउंड में सेंटर पे अपनी पेन रख देनी है। सेंटर पे पेन रखने के बाद किसी एक डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाने पर कोई ग्रुप मिलेगा आपको, कोई भी ग्रुप CS3 CW कोई भी ग्रुप मिलता है आपको, कोई ग्रुप मिलेगा आपको। जब आप उसी सेंटर से 180 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको वही ग्रुप मिलना चाहिए जो आपको पहले मिला था। अगर आपके साथ ऐसा होता है और हर साइड में ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर COS प्रेजेंट है, अदरवाइज COS प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने एक कंपाउंड ले लिया, जैसे ये कंपाउंड है हमारा। अब इस कंपाउंड का सेंटर ये है। अब इस कंपाउंड में आप इधर गए, क्या मिला आपको, क्या मिला भाई? CS3। इधर जाने पर भी क्या मिला आपको? CS3। इस सेंटर से आप इधर गए, क्या मिला? CL। इस सेंटर से आप इधर गए, क्या मिला? CL। इस सेंटर से आप इस तरह गए, क्या मिला? COH। जस्ट अपोजिट आप 180 डिग्री पे गए, क्या मिला? COH। इस सेंटर से आप इधर गए, क्या मिला? H। और इधर गए, क्या मिला? H। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर COS प्रेजेंट है, और अगर COS प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। POS है चाहे नहीं है, COS है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो जैसे मैंने, चलो ये एग्जांपल लेकर पहले बता देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड के अंदर COS होने के लिए पहले हमें सेंटर खोज लेना है। अब इस सेंटर से हम इधर गए, कौन मिला हमको? BR। अब इस सेंटर से हम इधर जाएंगे, क्या हमें BR मिला? नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर
COS इस साइड में नहीं है, इधर गए क्या मिला Cl, फिर इधर गए क्या Cl मिला, नहीं, इधर गए मिला Cl, इधर गए तो Cl मिला क्या, नहीं। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या नहीं है, COS नहीं है, COS नहीं है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको एक बार इसको ऐसे काट दो। अब देखो Br तो दो, एक Br तो क्या हो गया भाई, एटम तो स्फेरिकल होता है तो स्फेयर क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जब कटा तो ये Cl कहाँ है, बाहर, ये Cl कहाँ है, बाहर, ये दोनों आधा आधा बढ़ गया, दोनों एक दूसरे का क्या लग रहा है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, और दोनों मिरर इमेज लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, POS है, पर COS एब्सेंट है, POS है, COS एब्सेंट है। कोई भी एक होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दोनों एब्सेंट होंगे तभी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों प्रेजेंट है इनएक्टिव, दोनों में से एक प्रेजेंट है इनएक्टिव, दोनों एब्सेंट है तभी एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, मिटा दे इसको। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, आपने ले लिया ऐसे Br, Br Br Cl और ये Cl, ये भी थोड़ा पतला ही बनाना चाहिए था, चलो ऐसे है। अब देखिए ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से हम इधर गए, मिला Cl, इधर गए मिला Cl, लेकिन ऐसे नहीं देखना है। इस सेंटर से आप, ये Cl कहाँ है, बाहर की साइड में, इस सेंटर से आप आए बाहर की साइड तो क्या मिला Cl। अब बाहर की साइड आया है तो अब आपको 180 डिग्री में जाना होगा, तो किधर जाएंगे, अंदर की साइड। तो आप जब इधर आए Cl मिला बाहर की साइड, अंदर गए Cl मिला अंदर की साइड, मतलब इस तरफ COS मिल रहा है। इधर गए बाहर की साइड, इधर गए अंदर की साइड, दोनों तरफ क्या मिला आपको, Br मिला, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, COS तो है बाबू। अब क्या इसके अंदर POS है, जैसा कि कल मैंने आपको क्लास में बताया कि POS चेक करना है, आपने ऐसे कर दिया Cl, Cl तो कट गए लेकिन Br बाहर है, अंदर है, और ये Br बाहर है, POS नहीं मिला, ऐसे काटा फिर नहीं मिला, ऐसे काटा तो यहाँ Br यहाँ Cl मिरर इमेज नहीं है, ऐसे काटा यहाँ Br यहाँ Cl मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर POS एब्सेंट है, कंपाउंड में POS एब्सेंट है। और एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, पांच मेंबर की आपने एक रिंग ले ली, क्या ये ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है, ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट कलर में पड़ जाता है ना, Cl, Cl, Br, Br, और Br। अब ये कंपाउंड है, देखो भाई यहाँ पर हम सेंटर पे पहुँच गए, यहाँ से चले कौन मिला Br, इधर गए Br मिला क्या, नहीं, यहाँ से चले मिला Cl, यहाँ गए तो Cl मिला क्या, नहीं। इसका मतलब है ऊपर गए नीचे नहीं मिला, इधर गए इधर नहीं मिला, और इधर गए तो इधर नहीं मिला,
दैट मीन्स इसके अंदर सी ओ एस तो एबसेंट है। अब देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर पी ओ एस है कि नहीं है। पी ओ एस के लिए अब आपको काटना है, अब सोचिए कि कैसे काटा जाए। मान लीजिए ऐसे काट देते हैं, ऐसे ये कट गया बराबर भागों के, इधर भी यार बाहर, इधर भी यार अंदर। सी एल सी एल तो चलो दोनों बाहर है, लेकिन ये बाहर और ये अंदर, क्या मिरर इमेज मिला? क्या मिरर इमेज नहीं है। ऐसे काट दिया, अब बताओ इधर बी आर मिल गया, इधर सी एल मिल गया, तो फिर मिरर इमेज नहीं है। ऐसे काट दिया, इधर बी आर मिल गया, इधर सी एल मिल गया, इधर बी आर मिल गया, इधर सी एल मिल गया, मिरर इमेज नहीं है। ऐसे काट दिया, अब इधर सी एल, इधर बी आर, मिरर इमेज नहीं है, कौन सा बच गया? ऐसे काटना बाकी है, ऐसे काट दिया। अब देखो इधर सी एल है, इधर बी आर है, मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर पी ओ एस भी नहीं है, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और भी एग्जांपल लेते हैं, इतने छोटे छोटे वीडियो में हम बना नहीं सकते, लेकिन आज सिखा तो आपको ज़रूर देंगे। जैसे अपने पास एक कंपाउंड है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच और एच, ऐसा एक कंपाउंड है। लेकिन इस कंपाउंड में अगर इसको बनाया जाए तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखिए बोर्ड, पहले आप देख लीजिए कि क्या इसके अंदर सी ओ एस है। जैसे इधर गए तो कहाँ गए? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर गए तो क्या मिला? सी एस थ्री। अब बोर्ड के बाहर जाओगे तो सी एस थ्री मिलना चाहिए, लेकिन बोर्ड, ये तो सी एस थ्री तो बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के बाहर नहीं है, ये अंदर बाहर नहीं मिल रहा। अच्छा इधर गए क्या मिला? एच। किधर जा रहे हैं? बोर्ड के बाहर। बोर्ड के बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एच। अब हम बोर्ड के अंदर जाए तो हमें इस डायरेक्शन में अंदर जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? एच। जबकि एच कहाँ है? बोर्ड के ऊपर है, मतलब हमें सी ओ एस नहीं मिलना है। पी ओ एस देख लेते हैं कि पी ओ एस है कि नहीं। जैसे आपने बोला कि सर ऐसे काट दिया हमने, हमको पी ओ एस दिख रहा है, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, लेकिन बेटा ये सी एस थ्री इस बोर्ड पर है और ये सी एस थ्री बोर्ड के अंदर है, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो इसके अंदर पी ओ एस भी नहीं है, सी ओ एस भी नहीं है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो गया? एक्टिव हो गया। समझ पा रहे हो? टाइम बताते रहिएगा। और एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमारे पास है एक, हमने रिंग ले ली और एक ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। इधर ले लिया हमने सी एल और इधर ले लिया हमने बी आर। अब बोला क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? हमको क्या देखना है? पी ओ एस एंड सी ओ एस। अगर है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। चलो फिर ले आए, इसको बनाया ऐसे, एक बात और जानते रहिए। जैसे हमने रिंग वाली बात कर रहे थे और हमने देखा कि जो है कुछ जगह पे सी ओ एस मिला था, ऑड मेंबर की रिंग होगी ना, 3, 5, 7, तो कभी सी ओ एस मिलेगा ही नहीं। 4, 6 में सी ओ एस मिल सकता है, लेकिन ऑड मेंबर वाले में कभी सी ओ एस मिलता ही नहीं है। खैर यहाँ ऑड मेंबर इवन मेंबर की बात नहीं है, यहाँ पर तो ग्रुप लगे नहीं है, ये तो दो डबल बॉन्ड जैसा हो गया कि भाई एक डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में है और दूसरा अपोजिट प्लेन में है। ये सी एस थ्री हो गया और ये क्या हो गया? एच। और यहाँ पर हो गया सी एल और यहाँ हो गया क्या? बी आर। अब देखो क्या है, एक चीज़ और गड़बड़ है यहाँ पर। जैसे इसको बनाना है ऐसे और इसको बनाना है ऐसे,
ये है ये, अब ये आ गया CL इधर, अब ER आ गया इधर। भाई ये प्लेन में नहीं है तो ये प्लेन में, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। भाई sp3 हाइब्रिडाइज पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर तो नहीं रहेगा, पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर नहीं रहेगा। अब जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो चलो ये ऐसे है, ये बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर। अब हमको इसको COS देखना है। COS देखने के लिए चलो हम इस सेंटर पे आ गए, अब इधर गए इधर गए, कहीं भी हमें COS नहीं मिला, लेकिन POS को देख लेते हैं। POS दो बराबर भागों में बटना चाहिए, ये अंदर है ये बाहर है, और हम इसको ऐसे काट रहे हैं। CL और BR आधा आधा एटम बट गया, क्योंकि स्फीयर है। मैंने बोला था कि आप एटम को, एटम का सिंबल ना माने, एटम को माने कैनवस की बॉल। तो आपने इसको काटा, ये रिंग भी आधा आधा कट गया, लेकिन अंदर चला गया कौन, CH3, और बाहर कौन आ गया, H। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर POS नहीं है, और अगर POS नहीं है, COS नहीं है, तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ पा रहे हैं, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। मेरे ख्याल से अब आप कंपाउंड में POS COS खोज पाएंगे, और POS COS खोज पाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी को चेक कर पाएंगे। घर जाइए, ढेर सारे क्वेश्चनों को करिए, और करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने POS COS सीखा या नहीं सीखा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे बताइएगा। हाँ बच्चों, आप लोगों को कोई और टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक वीक है, हमको इस टॉपिक में वीडियो बना दीजिए। मैं पूरी केमिस्ट्री का वीडियो बना सकता हूँ, और बनाऊँगा भी धीरे धीरे। लेकिन अगर आपका टॉपिक है कोई, और आपको लगता है कि इसको जल्दी बनाना चाहिए, या अभी मुझे जल्दी सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उस पर काम करूँगा। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, उन सब के साथ शेयर करिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों में अवेयरनेस फैलाइए कि भाई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।